नमस्कार दोस्तों, मेनुका किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आम की जायकेदार चटनी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। चटनी बनाने के लिए आपने 1 किलो आम लेना है। इस आम को आपने अच्छे से धोना है। धोने के बाद आपने इसका छिलका उतार देना है। जब आप इस आम का छिलका उतार लेंगे, तब आपने इस आम को कद्दूकस करना है। यह देखिए, आम को कद्दूकस कर लिया है। अब हम चटनी बनाते हैं। चटनी के लिए 450 ग्राम चीनी लेना है। चीनी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 50 ग्राम बारीक कटे हुए छुहारे लेने हैं। 25 ग्राम कटे हुए किशमिश लेना है। 25 ग्राम आपका सफ़ेद नमक है। 10 ग्राम काला नमक है। 15 ग्राम पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है और आपने इस कप का 1 कप पानी लेना है। चटनी बनाने के लिए आपने नॉन स्टिक का कढ़ाई लेना है और इस कढ़ाई में आपने ये कद्दूकस किया हुआ आम डाल देना है। यह देखिए, कढ़ाई में मैंने आम डाल दिया है। अब आपने ये 1 कप पानी डालना है और इसको आपने गैस पे चढ़ा देना है। यह देखिए, गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब आपने इसको 5 मिनट तक पकाना है, पर ध्यान रहे आपने गैस के फ्लेम को तेजी रखना है। यह देखिए, 5 मिनट हो गया है। अब इसमें आपने ये चीनी डालना है। चीनी डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने इसको तब तक चलाते रहना है जब तक आपका ये चीनी अच्छे से घुल ना जाए, और आपने गैस के फ्लेम को स्लो रखना है। यह देखिए, चीनी खूब अच्छे से घुल गया है। अब आपने इस मिश्रण को 5 मिनट तक पकाना है, या फिर आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। इसको आपने मीडियम आंच में पकाना है। ये देखिए, मिश्रण गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, अब इसमें आपने ये गरम मसाला डालना है, लाल मिर्च पाउडर डालना है, काला नमक, सफ़ेद नमक, किशमिश, छुहारे। अब इन सब को आपने खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मिश्रण को डाल के मैंने इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है। पर दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली थी, पर मुँह से गरम मसाला निकल गया था। मसाला आप आगे पीछे करके डाल सकते हैं। अब आपने इसमें ये काली मिर्च डाल देना है। इसको डाल के आपने खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए, काली मिर्च डाल के मैंने इसको खूब अच्छे से मिला दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना टेस्टी चटपटा चटनी बना हुआ है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब आपने इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है। ये देखिए, आम की चटपटी चटनी बनके तैयार हो गया है और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब आपने इस चटनी को कांच के जार में डाल के रखना है। ये देखिए, चटनी को मैंने कांच के बोतल में डाल दिया है। अब इस चटनी का ढक्कन बंद करके आप इसको फ्रिज में रख कर कम से कम आप इसको 1 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आम की जायकेदार चटनी की रेसिपी बनके तैयार हो गया है। इस चटनी को आप रोटी, पूरी, पराठे किसी के साथ भी खाइए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा, आप अपना अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।